ओके, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिसाइस के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लास। तो काफी दिनों के बाद आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, और क्योंकि तो बहुत सारी क्लासेस हमारी ऐप पे गोइंग ऑन है, जो भी हमारे पेड बच्चे हैं, पेड बैच जो है उस पे क्लासेस चल रही थी, तो मैंने कहा कि अभी अनाउंसमेंट करना था तो आपसे रूबरू होते। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी दिनों के बाद आपके बहुत जोरों शोरों से आपकी तैयारी चल रही होगी, और अब तो कुछ ही दिन शेष रह गए यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। तो जो लोग लॉन्ग मतलब नेक्स्ट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, वैसे 23 के लिए भी है, ये आज का 23, ये दिख नहीं रहा है, सही दिख रहा है, वाइट ले ले, 23 के लिए भी और 2024 दोनों के लिए वैसे अनाउंसमेंट है। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, इसके पहले जो बैच था वो आपका एक तरह से कह सकते हैं वो आपका कम समय में बैच था, मतलब वो छोटा बैच था, उसमें हमें बहुत बेसिक लेवल से इसको नहीं पढ़ाया गया था, ये उनके लिए था जो पहले से एनसीईआरटी पढ़ चुके थे। ये जो बैच है ये आपका बहुत ही बेसिक से है, ये 6 मंथ का बैच है। अब 6 मंथ का बैच है यानी कि इसमें जो है लगभग 180 क्लासेस आपको दी जाएंगी, और एक क्लास 2 घंटे की होगी, एक क्लास कितनी होगी 2 आवर्स की होगी। तो अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, ये लगभग 0.6 × 1 360 घंटे की आपको एनसीईआरटी की बैच मिलेगा। अब एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप किसी भी टॉपर टॉक सुनते हैं, ठीक है, हमारे एक मित्र हैं आईपीएस इस समय पोस्टेड है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, अभी कल ही बात हुई है, तो उस बात का जो मैं कंक्लूजन मैं आपको देता हूं, उस बात का निचोड़ ये था कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस इतना कठिन नहीं है, कठिन जो है ये कोचिंग वालों ने बना दिया है। मैं क्या बता रहा था सर से, वो बच्ची एस्पिरेंट को ही बता रहा था कि कोचिंग वाले क्या कर दिए हैं कि आपको ये मान लीजिए यूपीएससी का दरवाजा है या यूपीएससी डेस्टिनेशन आपका है, यूपीएससी या कोई भी आपको जाना था, ऐसे अगर आप सेल्फ स्टडी करते तो शायद आप ऐसे ही जाते, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते तो क्या करते आप, सिलेबस को पढ़ते, या आपके घर में या आपसे बड़े कोई सीनियर मेंटर होते उनसे बातचीत करते, जैसे सीएस हाँ सर बच्चों को कितने अच्छे से पकड़ के फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे पढ़ो, कौन सी किताब पढ़ो, कौन सा टेस्ट लगाओ, कौन से क्वेश्चंस कराने चाहिए। अच्छा मैं देख रहा हूं कि ये जो मार्केट में टेस्ट बिक रहा है, इस मार्केट में टेस्ट सीरीज लगा के बच्चे जो है बहुत खुश हो जा रहे हैं, अरे 60-70% नंबर आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। भाई साहब वो लेवल ही नहीं है यूपीएससी का, सही बताऊं मैं, जितने भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट जितनी भी संस्थाओं का टेस्ट सीरीज आप मार्केट में लगा रहे हैं सर, आप विश्वास मानिए, हो सकता है आपको ये मेरी बात नहीं समझ आएगी, बट जितने भी पुराने एस्पिरेंट हैं, पुराने चावल हैं, वो टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, वो आप प्रैक्टिस के लगा सकते हैं लेकिन यूपीएससी का लेवल कहीं उससे ज्यादा होता है। आप देखिए आप सभी लोग 21+ हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 21 साल से ऊपर हैं, और 21 साल के ऊपर मतलब आपको मैच्योर माना जाता है, 21+ है, 25 है, 26 है, 28 एज में है। आप लोग इतना तो कर सकते हो कि यूपीएससी के वेबसाइट से जाके 5 साल 3 साल का पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चंस को पढ़ तो सकते हो, आप बात समझो, और नहीं कहीं से मिल रहा है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे अपलोडेड है सारे पेपर, वेबसाइट पे हमारे चले जाइए, हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको पेपर मिल जाता है, और फिर उस पेपर को क्वेश्चंस को पढ़ो, लेवल आप देखो कि यूपीएससी पूछना क्या चाहती है, यूपीएससी क्या कह रही है आपसे, यूपीएससी कह रही है कि आपको मोटा मोटा बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने इतिहास का, अपने भूगोल का और अपने मौलिक अधिकार का। बात समझिए, मैं 3 बातें बोल दिया हूं, बहुत बड़ी बातें बोल रहा हूं, शायद इसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता होगा। अगर आप अपने देश के संविधान का नॉलेज रखते हैं, अगर आप अपने देश के इतिहास का नॉलेज रखते हैं, अगर अपने देश के भूगोल का नॉलेज रखते हैं, पर्यावरण का नॉलेज रखते हैं, एनवायरमेंट का नॉलेज रखते हैं, ज्योग्राफी का नॉलेज रखते हैं, मैं फिर कह रहा हूं आपको मास्टर नहीं बनना, उसमें आपको बस समझ होनी चाहिए, और अगर आप सरकार के परियोजनाओं को जानते हैं, सरकार कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जानते हैं, डिफरेंट तमाम मंत्रालय मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर बहुत अच्छे से द हिंदू रोज पढ़ रहे हैं, उसमें से नोट्स बना रहे हैं, आपका सिलेक्शन संभव है। लेकिन आज क्या हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां, एक्टेक कंपनियां, दे क्रिएट द बबल, इकोनॉमिक टर्म में बबल मार्केटिंग कहते हैं, बबल मार्केटिंग हो रही है,
बबल की चीज में आपको मेन जो आपका उद्देश्य है उसको छोड़कर उसके चारों तरफ की चीजें पढ़ाई जा रही है। तो कोचिंग क्या कर रहा है, आपको यहां जाना था, कोचिंग ने आपको रास्ता ऐसे दे दिया, लो भाई जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब बड़े लोग मेरी वीडियो देखेंगे कहेंगे सर आप भी तो कोचिंग चला रहे हो, आप अलग क्या करोगे? हमने आपको पहले ही बताया था PRISA IAS इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओनली द वे PRISA IAS ट्राइंग कि आपको वो चीज दिया जाए जो कहीं भी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट मेंटोरशिप बाय द IAS ऑफिसर। यानी आपको IAS ऑफिसर ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको पढ़ना, क्योंकि वो उसी रणनीति से अपना सिलेक्शन ले चुके हैं। आपको हम बता दें दिल्ली में राजेंद्र नगर में बच्चों का जो 4 साल 5 साल वेस्ट होता है उसकी वजह यह है कि दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो गलत ट्रेन में बैठ गए। 3 घंटे में जहां पहुंचना था 30 घंटे में पहुंचेंगे, तब तक आपकी उम्र खत्म हो जाएगी और आप एग्जॉस्ट हो जाओगे इस तैयारी को लेकर। तो मैं तमाम वो एस्पिरेंट जो हमसे कभी ना कभी जुड़े थे, हम इससे पढ़े थे, मेंटरशिप लिए थे, उनके थ्रू जो एक्सपीरियंस है और हमारे पढ़ाने का जो अनुभव है, 7 साल 8 साल मेरा यूपीएससी डोमेन में पढ़ाने का अनुभव है और 11 साल का डोमेन मेरा डिफरेंट डोमेन में पढ़ाने का है, उन अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होना है कि मार्केट से गए 2000 का इतना मटेरियल खरीद के ले आए, उसके बाद क्या होगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद आप रद्दी में बेचोगे किलो पे, उसको 80 किलो 90 किलो 150 किलो आप रद्दी बेच देते हो, आपके दिमाग में कितना गया, यहां पे कितना डाइजेस्ट हुआ, यहां पे ये भी एक डाइजेशन प्रोसेस है, मेमोरी ये पढ़ाई डाइजेस्ट करता है आपका, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत सही चीजें पढ़नी पड़ेगी, कम पढ़ना पड़ेगा और टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। और ये टू द पॉइंट कैसे पढ़ोगे, ये टू द पॉइंट आप पढ़ सकते हो एक बेहतर कुशल मार्गदर्शन में, अब वो मार्गदर्शन PRISA IAS आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये सेल्फ स्टडी कर लो या बेटर आपका कोई मेंटर बन जाए। अब मेंटर बनेगा कौन, क्या हम किसी से भी मेंटरशिप करा ले, जिसने यूपीएससी का एग्जाम ना देखा हो, जिसको सिलेबस ना पता हो, क्या मुझसे मेंटरशिप करा ले, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज का अपना डोमेन होता है, बात समझिए, ठीक है। जैसे डॉक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट कोई और होता है, आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आप जो है किसी और बीमारी को लेकर नहीं जा सकते हैं, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट है। हृदय रोग के पास आप ईएनटी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से स्पेशलिटीज है, तो जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी दी है, की है, सिलेक्टेड है या उनके द्वारा सिलेक्शन दिया गया है, आप उनसे मेंटरशिप आप ले लीजिए। आपके घर में आपके वो बड़े भाई हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। और सदियों में कोई ऐसा पैदा होता है, कहते हैं ना इतिहास रचने के लिए सदियों में कोई ऐसा होता है जो आपको इस तरह से मेंटरशिप देता है, भाई मेरे को तो नहीं मिला, क्या मुझे मेंटरशिप मिला होता तो मैं भी आईएएस ऑफिसर होता, आज पढ़ा नहीं रहा होता, कहीं ना कहीं ड्यू टू द लैक ऑफ मेंटरशिप मैं एडुकेटर बन गया, पढ़ाने का अनुभव था मुझे, पढ़ाने का इंटरेस्ट था, तो मैं इस क्षेत्र में अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। अब एनसीईआरटी को पढ़ना भी एक कला है, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना भी बहुत कला। मैंने देखिए, मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो जो चीज आप फेस करोगे मैं आपको पहले बताता हूं। आपको एनसीईआरटी जब आप आज मेरी वीडियो देख के, हो सकता है, हेलो बेटा सिमरन कैसे हैं आप, हो सकता है कि आपको जोश में आप जाके मार्केट से 3000 के एनसीईआरटी खरीद के ले आइएगा, 50 से ज्यादा एनसीईआरटी की बुकलेट है, पतली पतली पतली, इतनी कम से कम इतनी एनसीईआरटी बन जाएगी, रैक में सजा के रख दोगे आप। लेकिन क्या आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, क्या पढ़ने का तरीका पता है आपको? विश्वास मानिए, 6th क्लास के एनसीईआरटी आप शुरू करेंगे, 7th पढ़ेंगे, 8th पढ़ेंगे, जैसे ही 9th पे आएंगे यू ड्रॉप द एनसीईआरटी। मैं एग्जांपल कहता हूं, चलो हिस्ट्री ले लिया आपने, क्या आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन है, क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हो? तो कौन बताएगा कि सही तरीके से एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है टू एनसीईआरटी को कवर करने के लिए। और ये जो आर्ट है एनसीईआरटी को पढ़ने का, टू कवर द एनसीईआरटी इन मिनिमम टाइम विथ मैक्सिमम आउटपुट
और अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे आपका 40% क्वेश्चन प्रीलिम्स में यूपीएससी में एनसीईआरटी से हो जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से। और बाकी जितने एग्जाम है वनडे एग्जाम जितने और हैं या जो भी स्टेट पीसीएस के बारे में बात करते हो तो एनसीईआरटी कम, मैं तो एनसीईआरटी को कहता हूं रामबाण है, स्टेट पीसीएस के लिए तो 90% काफी है स्टेट पीसीएस के लिए। तो जब ये इतना ही आसान है तो फिर एनसीईआरटी को पढ़कर सेलेक्ट हो जाते हैं फिर, बात समझिए, थोड़ा पानी दे देना। मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ना इतना ही आसान है तो क्यों हम पढ़कर सेलेक्ट हो जाते हैं, 40 किताब ही तो है पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं हो पाता है, क्या वजह है, क्यों लोग फेल हो जाते हैं? तो आप फेलियर खुद मत होइए, किसी और की फेलियर को सीख लीजिए और वो गलती आप ना करिए, इसी सिद्धांत पर पिसा कि आपसे गलती ना हो। हमने देखे हैं गलतियां बच्चों के, एनसीईआरटी को पढ़ने की एक अपनी कला है, उसके नोट्स बनाने की अपनी कला है, पता नहीं आप देख पाते कि नहीं, मैं शायद कोशिश करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप देख पाएंगे तो शायद मैं दिखा दूंगा, ये जो जब मैं तैयारी करता था तो इस तरह से मैं एनसीईआरटी को लिखता था, कुछ इस तरह से, समझिए इस बात को। आवाज आ रही होगी तो देखिए, ये देखिए कितना मैंने बहुत, अगर दिख रहा होगा तो बहुत सुंदर नोट्स बनाया था मैंने जब अपनी तैयारी करते तब का ये नोट्स है, मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है और बहुत खुला खुला मैंने लिखा है। अब ये खुला खुला क्यों लिखा, ताकि मैं इसमें कुछ भी अपडेट हो तो मुझे मिल जाए। ये जो तरीका है नोट्स बनाने का, ये पूरी 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री क्या है, भूगोल है। जो भी बच्चे यहां ऑफलाइन है वो इसको देख लिए हैं, आप लोग को मैं कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसमें मैंने हर चीज लिखी हुई है, हर चीज जो आप कह सकते हो कि जैसे फेमस मिनरल कहां कहां भारत में पाए जाते हैं, जैसे आयरन का और मैग्नेटाइट है उड़ीसा के झारखंड बेल्ट में, दुर्गा बस्तर बेल्ट है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। उम्मीद है नहीं दिखेगा कैमरे में, लेकिन मैं सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये जो तरीका है, ये मैं आपको बताऊं, स्टेट पीसीएस में जो स्टैटिक क्वेश्चन होता है ज्योग्राफी का यानी भूगोल का, मेरे इस नोटबुक के बाहर आता ही नहीं है, ये बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, केवल इसमें 6 से 12 की एनसीईआरटी नोट्स हैं। तो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी नोट्स है ये कैसे बनाएं, ये मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक वे में जल्द ही आपको सिखाऊंगा जो भी हमारे साथ जुड़े होंगे। एनसीईआरटी पेड बैच इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में एनसीईआरटी पेड बैच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपको रेगुलर क्लास मिलती है, रेगुलर क्लास मिलने के साथ साथ शेड्यूल वे में क्लास मिलती है, शेड्यूल वे में क्लास मिलती है, आपको टेस्ट मिलता है, एनसीईआरटी बेस टेस्ट मिलता है, ठीक है, मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन मास्टर नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन मास्टर नोट्स मिलते हैं, मास्टर नोट्स मिलता है, ये तमाम फीचर आपके पेड कोर्स में आपको दी जाती है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, कि आपको अलग अलग पढ़ना है, सेग्रीगेट पढ़ना, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक सेकंड बस दीजिएगा, मैं आपको ओवरलैप कर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है हमें, तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो कैसे हम ओवरलैप करें, मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो क्या हम एक एक क्लास के पढ़ें, बट एक मिनट और समय लूंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी जब आपको पढ़नी है तो आप सबसे पहले आप क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पढ़ेंगे, क्लास 9th की मैंने बहुत अच्छा बनाया है, क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एक साथ पढ़ेंगे, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा वैसे ही आप क्लास 11th की 3 चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 11th की 3 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर 1 प्लस 2 प्लस चैप्टर 3,
तो ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक पोर्शन कंप्लीट होगा। बात समझने की कोशिश करेगा किस तरह से पोर्शन आपस में ओवरलैप होता है। प्रिंस अरे मुझे जाना है सर का फोन आया तो बस समझिए ये जो टेक्निक है ना कैसे ओवरलैप करके पढ़ना है ये टेक्निक आपको सिखाई जाती है मेरी क्लास में। ठीक है आपको क्लास वाइज नहीं पढ़ना है आप बात समझिए ये बहुत बड़ी गलती है। डोंट स्टडी एनसीईआरटी क्लास वाइज स्टडी एनसीईआरटी टॉपिक वाइज एंड मैप द टॉपिक विद डिफरेंट क्लास और ये टेक्निक आपको सिखाया जा रहा है तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड करिए पेड हमारा जो बैच है उसको एनरोल करिए। ठीक है और मिलते हैं बाकी डिटेल आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे।